सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी लोग का एक मजेदार वीडियो में। तो यार फाइनली आज हम बनाने वाले हैं वो फार्म जिसकी जरूरत माइनक्राफ्ट में सबसे ज्यादा है। जी हाँ, आयरन फार्म। तुम आयरन फार्म बनाओगे? हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं। तो पूछा क्यों फिर? ही यार, इसका भी अलग ही नशा है यार, मतलब क्या ही बोलूं इसको मैं। तो फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम दे देते हैं आज का साउट आउट। ओके, तो आज का पहला साउट आउट जाता है अल्ट्रा पॉप गेमिंग को। तो भाई ने इस वाले वर्ल्ड का डाउनलोड लिंक मांगे थे, तो गाइज डाउनलोड लिंक में कुछ दिनों बाद देने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक हमने ज्यादा कुछ फार्म वगैरह बनाया नहीं है अपनी इस वाले वर्ल्ड में। पहले थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट फार्म वगैरह बना लेते हैं, फिर आप लोगों को भी खेलने में मजा आएगा। तो आज का दूसरा साउट आउट जाता है साहित को। सो थैंक यू सो मच गाइस, सपोर्ट करते रहना। और हाँ, आज का लाइक एम है 10 लाइक्स का। चलो देखते हैं पूरा हो पाता है या नहीं। कभी नहीं होने वाला। ओके, तो यार इस वाले फार्म को बनाना बहुत इजी है, बट ध्यान से देखना वरना वॉक नहीं करेगा। तो फिलहाल हमें चाहिए होगी 20 बेड, 20 फ्लेचिंग टेबल, 2 हॉपर्स, 1 लबा बकेट और कुछ सॉलिड ब्लॉक प्लस वाटर। और बाकी की चीज़ें तो आप देख ही रहे हो, इधर है एसएस पे देख लेना। ओके, तो एक और बात का ध्यान रखना, इस फार्म को विलेजर्स के हाउस से 100 ब्लॉक्स दूर बनाना। एग्जांपल के लिए वो रहा हमारा विलेजर्स हाउस जहाँ पर हमारे विलेजर्स रहते हैं, और मैं बनाने वाला हूँ इस फार्म को यहाँ पर विलेजर्स से लगभग 250 मतलब 250 ब्लॉक्स दूर। 100 ब्लॉक के आगे आप जितना सा हो उतना दूर बना सकते हो, लाइक 1000 ब्लॉक दूर बना देना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट 100 ब्लॉक से ज़्यादा दूर होना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ओके, तो अभी ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा बकवास कर लिया आज मैंने। तो सबसे पहले आपको 5x5 का एक बॉक्स बनाना है, फिर इसे 7 ब्लॉक्स डिग करना है कुछ इस तरह से। देन आपको नीचे जाना है और नीचे के साइड के 2 ब्लॉक्स हाई लेयर को निकाल देना है कुछ इस तरह से। और फिर 20 बेड्स को कुछ इस तरह से जैसे मैं लगा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही लगाना, वरना काम नहीं करेगा। बेड्स लग जाने के बाद आपको क्राउच होकर बेड के ऊपर सॉलिड ब्लॉक प्लेस करना है और कुछ इस तरह से बेड के ऊपर के लेयर को ढक देना है। और फिर इस वाले लेयर को निकल कर यहाँ पर 20 फ्लेचिंग टेबल जैसे मैं लगा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही लगा देना। ओके, तो 60% काम कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें 20 विलेजर्स को इसके अंदर डालना है, तो चलो लाते हैं फिर। ओके, तो गाइस अभी एक प्रॉब्लम हो चुका है, मेरे पास इनफ रेल के पट्टी नहीं है फिलहाल। सो बट मेरे पास एक आइडिया है, आई होप ये काम कर जाए। ओके, तो अभी यहाँ से आगे का कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता क्या करूँगा। बट उससे पहले दूसरे विलेजर को भी ले आते हैं, पर चल के नहीं जाऊँगा मैं, कितना मज़ा आ रहा है। कस रियल लाइफ में भी ट्रांसपोर्टेशन इतना ही आसान होता। ओके, तो गाइस अभी दूसरा विलेजर भी आ चुका है और मैं लाइन से कुछ पत्तियाँ भी तोड़ के लाया हूँ। अभी यहाँ पर कुछ इस तरह से जुगाड़ लगाना पड़ेगा, आई होप ये काम कर जाए। यहाँ पर एक पावर ट्रेल लगाना है। ओ नो, रुको 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 रुको, वाटर डालना बाकी है। मैं डर गया था भाई, इनके हेल्थ काफ़ी कम है यार, अगर एक बार गिर गया तो भाई समझ जाओ भाई ऊपर चला जाएगा, फिर मुझे फिर से करना पड़ेगा। ओ माई गॉड। ओके, तो अभी इनको ब्रीथ करवाते हैं गाइस। और हाँ गाइस, एक और बात का ध्यान रखना, ये जो ग्रीन कोट वाले नल्ले विलेजर होते हैं ना, इनको निपटा देना, ठीक है? वरना फार्म काम नहीं करेगा, समझ रहे हो ना, फार्म काम नहीं करेगा। इनको निपटा देना, ये किसी काम का भी नहीं है। बारिश जा चुका है, डॉगी आ चुका है, वाह क्या बात है। क्या क्या करता रहता हूँ यार मैं भी। ओके, तो प्लीज़ डॉगी भाई टेम हो जाओ, टेम हो जाओ। यस, एक और डॉगी भाई मिल गया गाइस, लेट्स गो, टीम हो जाओ भाई प्लीज़। यस यस यस, एक और डॉगी भाई, लेट्स गो टीम। लगता है ये नहीं होने वाला। यस, हो गया। ओके, तो गाइस अभी टेस्ट करते हैं इनको, क्या ये मेरी बात सुनेगा। यस, ये मेरी बात सुन रहा है, लेट्स गो, दिस इज सो क्यूट। ओके, तो गाइस इनके लिए अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नाम सजेस्ट करना मत भूलना। ओके, तो गाइस अभी 20 विलेजर्स हो चुका है, तो आगे का काम शुरू करते हैं, है ना। तो यार आपको इन विलेजर्स के ऊपर ऐसे सॉलिड ब्लॉक का एक प्लेटफॉर्म बना देना है, बट नीचे टॉर्च लगाना मत भूलना, वरना समझ रहे हो ना गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो ये होने के बाद साइड में से ऐसे 2 ब्लॉक निकाल कर यहाँ पर सेस्ट और होपर लगा देना, और फिर साइन बोर्ड एंड फेंस गेट के मदद से ऐसा कुछ बना लेना। फिर यहाँ पर लाभा बकेट डाल देना, एक बकेट डालना, ज़्यादा मत डालना। और आप यहाँ पर दोनों साइड पर वाटर बकेट डाल देना, एंड फिर इस ब्लॉक के ऊपर 10 ब्लॉक्स हाई एक टावर बना लेना।
और फिर इसे ग्लास से कवर कर देना ताकि फैंटम से बच सको, समझ रहे हो ना, फैंटम उड़ने वाला जो वो पक्षी होता है ना, रात को आता है मॉन्स्टर पक्षी, पता नहीं मैं क्या क्या बोल रहा हूँ बस। ओके तो अभी मैं 10 मिनट के बाद मिलता हूँ आप लोगों से, ठीक है, थोड़ा सा ऐप के कर लेते हैं। ओके तो गाइस लगभग 10 टू 15 मिनट्स ऐप के किया था मैंने, एंड आप सीक्रेट है कितना आयरन मिल चुका है हमें, 48 आयरन, वो भी सिर्फ 10 मिनट के ऐप के से। दिस इज ऑसम, अगर 10 मिनट्स में 48 आयरन मिल रहा है देन इसका मतलब एक घंटे में ऐप के से हमें आई थिंक 4 स्टैक से भी ज़्यादा आयरन मिलने वाला है। वो दिस इज एक्चुअली गुड है ना, एक घंटे का अगर हम माइनिंग भी करेंगे तब भी इतना आई थिंक नहीं मिलेगा, और वो भी लाइक बिना मेहनत के। ओके तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, नेम सर्च करना मत भूलना, और हाँ ये फॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसको मैं पहले भी काफ़ी बार बना चुका हूँ, तो ये बनाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। सो बाय।